हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फ्रॉक बनाने के लिए बता रही हूँ, जिसकी मैंने लेंथ 14 इंच ली हुई है और इधर से मैंने भी 14 इंच लिया हुआ है। ये डबल फैब्रिक का मैंने कर रखा है इसे। अब मैं इसे अच्छे से फोल्ड कर दूँगी। अब मैं आपको गला बता रही हूँ। इधर से मैंने 2.5 इंच लिया है गला, और फिर इधर से 3 इंच मैंने डिप लिया है गले की लेंथ। अब मैं इधर से भी माप कर लूँगी। और शोल्डर जो होता है बच्चों के लिए, वो 2.5 इंच रखते हैं, तो ये शोल्डर का माप है। तो इधर से फिर 5 इंच ले लेंगे हम। आप छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे का बनाए तो और कम ही रखें। तो इस तरीके से हमें एक शेप दे देनी है राउंड सा। आप चाहे तो डिजाइन भी डाल सकती हैं इसमें। और फिर हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें इसे कट कर लेनी है। आप इसे स्टिच करके भी कट कर सकती हैं, बट मैं ऐसे ही इसे कट कर रही हूँ। फिर आप पिन से इसे सेट कर लें। देखिए, इस तरीके से हमें इस बाजू को भी मैं इसे कट कर लूँगी। देखिए, इसी तरीके से फिर हम एक और कटिंग करेंगे, जो कि हमें पीछे का साइड का रहेगा। तो ये अब हम चलिए घेर बना लेते हैं। घेर को मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। और इस तरीके से देखिए, टॉप का स्टिचिंग मैंने सिलाई करके रखा हुआ है। यहाँ पे 4 फोल्ड में टॉप का घेर का कपड़ा है, इसे हम यहाँ पे रखेंगे और इसका माप ले करके निशान लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके नीचे का घेर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 20 इंच ले रही हूँ। देखिए, इस तरीके से हमें निशान लगा लेनी है। इसे हम अच्छे तरीके से निशान लगा लेंगे, ताकि काटने में आसानी हो कट करने में। और इसे हम अब कट कर लेंगे। और फिर हम इसे ऊपर के साइड से भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यह बहुत ही अच्छा सा घेर निकल के आएगा। देखिए कितना अच्छा सा फिनिशिंग है इसका, इसमें कोई भी कट नहीं है। अब इसमें हम ऊपर वाला टॉप लगाएंगे। ये 2 पार्ट का घेर है, आगे और पीछे का। तो इसमें 2 पार्ट का टॉप भी हम ऊपर का लगाएंगे। देखिए, ये पीछे नीचे वाला हिस्सा हो गया पीछे वाला, जो कि इसकी लेंथ गले की कम है। अब मैं यहाँ पर आपको चेन बनाने के लिए लगाने के लिए बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने एक सिंपल सा कपड़ा उसमें लगा के फिर कट कर दिया है स्टिच करके। फिर उसमें मैं चेन ऐड कर रही हूँ। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे तरीके से आएगा, चेन जब आप लगाएंगी तो। और ये वाले पीछे वाले हिस्से में मैं लगा रही हूँ, आप चाहे तो आगे वाले में भी लगा सकती हैं, योर चॉइस। देखिए, अच्छे तरीके से मैंने चेन इसमें ऐड कर दिया है, प्लस मैंने अच्छे तरीके से स्टिच कर लिया है। अब मैं इसके साइड में स्टिच करूँगी और फिर नीचे के किनारे को भी मैं मोड़ूंगी इस तरीके से। अब मैं एक फ्लावर बनाने के लिए बता रही हूँ, जो मैं फ्रॉक में लगाऊंगी। देखिए, इस तरीके से मैंने फैब्रिक का कपड़ा यूज किया है। उसे मैं कैंडल की हेल्प से हर साइड से हल्का हल्का सही से मैं ट्विस्ट देते हुए इसे कर लूँगी। उसके बाद फिर हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और कच्ची सिलाई लगा लेंगे। सुई और धागे की हेल्प से हमें इस तरीके से बड़ी बड़ी पक्की सिलाई लगा लेनी है, सॉरी कच्ची सिलाई लगा लेनी है। देखिए, काफ़ी आसान सा और जल्दी बन जाने वाला ये फ्लावर है। आप चाहे तो हर तरह के फैब्रिक का यूज कर सकती हैं इस यहाँ पे। इस तरीके से हम देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से फ्लावर बना लेंगे इस तरीके से। फिर इसे हम फिंगर की हेल्प से इस तरीके से राउंड करते हुए इसे हम नीचे साइड में अच्छे तरीके से 1-2 बार स्टिच और कर लेंगे, सिल लेंगे। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है, वो डबल फैब्रिक में हमें काफ़ी खूबसूरत सा फ्लावर नज़र आएगा। देखिए,
इस तरीके से हम और फ्लावर बना करके रख लेंगे। देखिए मैंने छोटे बड़े आकार में फ्लावर बना लिए हैं। अब मैं ऐसे फ्रॉक में सेट करने वाली हूँ। देखिए मैं यहाँ पे फ्रॉक में सेट करके बता रही हूँ आपको, और फिर मैंने नीचे के घेरे में भी फ्लावर बना लिया है, लगा दिया है यहाँ पे। अब मैं इसमें खूबसूरत सा स्टोन लगाऊंगी। लेस तो मैंने लगा लिया है, देखिए देखिए मैंने स्टोन लगा लिया है। और ये फ्रॉक काफ़ी खूबसूरत सा बन करके आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लें। अगर ये फ्रॉक पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू।